Assalamualaikum नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपके? वेलकम टू माई शो हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर सादिया. बहुत अरसा हुआ है आपसे मुलाकात नहीं हुई. आई वॉज ऑन अ वेकेशन और मैं खुद भी काफ़ी अरसे बाद आई हूँ. और जनाब, कैनेडा और सर्दी तो दोनों बराबर का काम है. खूब सर्दी चल रही है. आई होप आप अपना ख्याल कर रखे होंगे, क्योंकि सर्दी के अंदर ज़रा कुछ ज़्यादा ही ख्याल करना चाहिए. नाज़रीन, जिंदगी के अंदर हेल्थ और बीमारी दोनों साइड बाय साइड चलते हैं. कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि हमेशा तंदुरुस्त रहा हो. बीमारी हमेशा आती है, बीमारी के बाद फिर सेहत भी अल्लाह ताला दे दे तो और क्या चाहिए. जैसे कि मेरे प्रोग्राम है कि हेल्थ और हैप्पीनेस, इंसान को हर जिंदगी खुशी आप तब इंजॉय करते हैं जब अल्लाह ताला ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे रखी हो. इसीलिए कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है. नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का मकसद आपको कोई ड्रग्स प्रिस्क्राइब करना नहीं होगा, आपको कोई इलाज बताना नहीं होगा, लेकिन मेरी एक ये कोशिश है कि जितनी बीमारियां हैं, जितनी चीज़ें हैं, मैं आपको उनके बारे में कुछ आगाही दे सकूं, कुछ अवेयरनेस दे सकूं, ताकि आप उन बीमारियों को कम से कम अवॉइड कर सकें, उनकी सेवेरिटी को अवॉइड कर सकें. तो इस प्रोग्राम को इसी तरह से आगे लेके चलते हुए आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी या जिसके बारे में थोड़ी कुछ अवेयरनेस देना चाहूँगी, वो आजकल इतनी फैली हुई है कि तकरीबन हर फैमिली में कोई ना कोई इंसान उसे सफ़र कर रहा है, जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, इसके आगे कुछ भी नहीं है. मैं बात कर रही हूँ कैंसर की. कैंसर का नाम ही ऐसा है जिसको सुनते ही हमारी रूह खुश्क हो जाती है और लगता है कि ज़िंदगी की सब उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं. कैंसर, सरतान, कार्सिनोमा, जिस्म के किसी भी हिस्से में किसी के वक्त भी पाया जा सकता है. ये बीमारी किसी को भी लाहक हो सकती है. आज जिस कैंसर के बारे में हम बात करेंगे, उसका दैट इज़ बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर. कहने को तो लोगों का आमतौर पे ख्याल होता है कि ये सिर्फ औरतों की बीमारी है, लेकिन अदद व शुमार से ये भी हमें मालूम है कि ये औरतों और मर्दों में दोनों में पाई जाती है. बेशक ये औरतों में ज़्यादा पाई जाती है. ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे, इसकी अवेयरनेस के बारे में बताएंगे कि इसकी स्क्रीनिंग क्या होनी चाहिए, इसकी स्टेजेस क्या होनी चाहिए, औरतों को कौन सी उम्र में ज़्यादा लाहक होती है, आपको उसकी केयरिंग क्या करनी चाहिए, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, या उसके बारे में मिथ्स क्या होती हैं, कौन सी ऐसी फजूल बातें हैं जो हम सुनते हैं और उनके हम उन पर यकीन करना शुरू करते हैं कि वो रियलिटी से कितनी दूर हैं. इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने आज अपने साथ डॉक्टर सादिया गुल को बुलाया है. डॉक्टर सादिया गुल जो है, इनकी खासियत है कि इन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया हुआ है और इनकी स्पेशलिटी है कि ये स्क्रीनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकेंगी कि किस स्टेज पर हमें करानी चाहिए और हमें कितना अवेयर रहना चाहिए. नाज़रीन, ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कैंसर है क्या, और कैंसर जो इतनी बड़ा हम सब के लिए खवा है, ये है क्या चीज. नाज़रीन, कुदरत खुदाबंदी है कि हमारी बॉडी के सेल्स खुद ही बनते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय होते हैं और ख़त्म होते हैं. कैंसर सेल्स वो होते हैं जो कि जब एक दफ़ा बनते हैं तो वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि वो फिर और एग्रेसिवली बढ़ने शुरू हो जाते हैं. वो एक आप समझते हैं कि दे बिकम क्लस्टर्स, वो क्लस्टर्स बनाते जाते हैं, उनका ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता जाता है और ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स जो है ये हेल्दी सेल्स को खाना शुरू करते हैं और लम्ब्स की फॉर्म्स में और ट्यूमर्स की फॉर्म्स में ये बनना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करते हैं. कैंसर की, हर कैंसर की स्टेजेस होती हैं, 0, 1, 2, 3 और लास्ट स्टेजेस. ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ब्रेस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है. ब्रेस्ट लोब्स इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ लोब्स, लॉब्यूल्स एंड डक्ट्स. कैंसर इसमें किसी भी जगह पे आ सकता है और उसके साथ साथ उसके क्या फर्दर साइंस होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, इसके बारे में मैं डॉक्टर सादिया गुल से बात करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो. आपको मधु किया आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी है पब्लिक हेल्थ में, ताकि आप हमारे नाज़रीन को ये बता सकें कि हम ये जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है. ये भी कहा जाता है एक हर 9 में से कोई एक खातून ऐसी होगी जिसने ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज के ऊपर इसको फेस किया होगा या जिसके अंदर चांसेस होंगे. तो आप प्लीज़ ये बताइए कि ये किस स्टेज में हमें इसका देखना चाहिए या कौन सी एज ग्रुप है जो कि इससे ज़्यादा सफ़र कर सकती है. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा.
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैंसर जो है ये साइलेंटली ग्रो करता है और अंदर से ही सेल्स जो है उनमें चेंज आता है जी और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से खवातीन में ये बहुत कॉमन, सबसे कॉमन कैंसर की अगर हम बात करें खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर है और सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग्स कैंसर्स अमंग वेमेन जी और इसमें जो अगर हम टोटल कैंसर का बर्डन की बात करें अमंग्स वेमेन तो 26% जो बर्डन है वो ब्रेस्ट कैंसर का है राइट इतना या ज्यादा इस 26% इज अ ह्यूज अमाउंट एग्जैक्टली 1/4 आप समझ लीजिए कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है 1/4 वुमेन में तो इसलिए इसकी जो तशखीस है वो जितनी जल्दी हो जाए उसका इलाज भी जल्दी हो जाए तो इसमें सर्वाइवल जो है उस पे हम ज्यादा जोर हमारा होता है तो पब्लिक हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें हम पॉपुलेशन हेल्थ की बात करते हैं जी जी पॉपुलेशन हेल्थ में हमने आपने आपको भी मालूम होगा और हमारे नाज़रीन में भी ख़वातीन जिनकी उम्र 50 से ऊपर है उनको इनविटेशन आती होगी हेल्थ कैनेडा की तरफ से स्क्रीनिंग के लिए मैमोग्राफी के लिए बिल्कुल तो स्क्रीनिंग जो है कैंसर की ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से वो हम करते हैं उस पॉपुलेशन ग्रुप में जिसमें कि अभी बीमारी के अलामात नहीं है ओके यानी इट्स डन इन आप ये कह लें इन हेल्दी ग्रुप ऑफ वीमेन जी जी कि जिसमें सिम्टम्स अभी नहीं आए right. और उनमें हमने बीमारी डिटेक्ट करनी है उस स्टेज पे जिसमें वो अभी बहुत शुरुआत पे है ओके तो इसके लिए करते हैं ज्यादातर 50 और 69 इयर्स की एज ग्रुप की वीमेन को किया जाता है क्योंकि इस एज ग्रुप में मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस है विच इज अबाउट मोर देन 50% इस एज ग्रुप में पाया जाता है डॉक्टर साहब उसकी मेरे ख्याल एक रीजन तो ये भी होगी कि दे आर प्री एंड पोस्ट मेनोपॉजल और जो हमारी ब्रेस्ट है उसके ऊपर हार्मोन लेवल्स का बहुत ज्यादा असर होता है जी हाँ बिल्कुल जिस तरह रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एज इट सेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर एज इट सेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर जी बिल्कुल तो वो रिस्क बढ़ता है दूसरी वजह इसकी है कि स्क्रीनिंग इस एज ग्रुप को इसलिए टारगेट करते हैं हम कि अगर किसी ग्रुप में एक किसी भी बीमारी की जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं जी जी प्रेवलेंस अगर बीमारी की ज्यादा नहीं है तो स्क्रीनिंग आपकी कामयाब नहीं होगी आप उसकी मोर्टेलिटी रेट को कम नहीं कर सकते क्योंकि आप डिटेक्ट ही नहीं करेंगे जब तक बहुत ज्यादा केस नहीं होंगे आपकी जी. जिसको हम कहते हैं जो टेस्ट हम यूज कर रहे हैं जी. वो पॉजिटिव केसेस को उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो स्क्रीनिंग जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम है यहाँ पे तो जो हम स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं इसमें हम लोग किस तरीके से चलते हैं यानी आप कहते हैं जी एक नॉर्मल खातून है मे बी शी इज 50 इयर्स ऑफ एज और उनको आया कि जी आपने स्क्रीनिंग करवानी है तो वो अब क्या व्हेन व्हाट शुड शी बी एक्सपेक्टिंग व्हेन शी गोज टू द हॉस्पिटल या वो अपनी स्क्रीनिंग में क्या एक्सपेक्ट करना चाहेंगी जी बिल्कुल ये आपने जो सवाल किया ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि सिर्फ एक टेस्ट होगा और बस हाँ जी उसके बाद हमें ये बता दिया जाएगा कि है या नहीं है नहीं स्क्रीनिंग का असूल ये होता है और स्क्रीनिंग आपने देखा होगा कि हर कैंसर के लिए नहीं ऑफर होती जी बहुत कम कैंसर है एक ब्रेस्ट कैंसर है सर्वाइकल है जी या मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर है या दोनों में कोलोरेक्टल कैंसर जी जी वजह उसकी ये है कि एक तो हमारे पास टेस्ट है सिंपल ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो उसको डिटेक्ट कर सके दूसरा हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो अगर अर्ली डिटेक्शन पे हम उसको शुरू कर दें तो हम मोर्टेलिटी एक्चुअली रिड्यूस कर सकते हैं ये रिसर्च एविडेंस बेस्ड है एविडेंस तो डॉक्टर साहब ये जो हम स्क्रीनिंग में जाते हैं एज फार एज आई नो के पहले तो मेमोग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि जी आप मेमोग्राम करवाएं बट जैसे हम स्टडीज देखते हैं कि मेमोग्राम कैन बी अगर वो नेगेटिव है तो इट कैन बी अ फॉल्स रिजल्ट ऑल्सो एंड दे से कि जी मेमोग्राम शुड बी ऑलवेज अकम्पनीड विद अल्ट्रासाउंड एंड ऑल्सो विद MRI हाँ वो देखिए जब स्क्रीनिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज स्क्रीनिंग की तो उसमें तो जब फॉल्स है नेगेटिव तो उसको आप वहीं तक रहने देते हैं एवरी टू इयर्स वी एडवाइज देम टू कम अगेन एंड डू इट राइट लेकिन अगर कोई क्लिनिकली कर रहा है और करना चाहे आगे तो वो तो फिर उसकी अपनी उनकी डॉक्टर साहब ये जो हम एज ग्रुप की बात करते हैं जैसे कि व्हेन यू आर अबव 50 तो उसमें अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी कैंसर लेकिन उसको अपनी स्क्रीनिंग करानी तो हाउ ऑफन शुड शी गो फॉर हर टेस्ट्स एग्जैक्टली वो एवरी टू इयर्स मेमोग्राम इज एडवाइजेबल ओके के कुछ कंट्रीज में एवरी थ्री इयर्स भी होता है जी जी कुछ में टू इयर्स होता है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है लेकिन एवरी टू इयर्स यहाँ पे करवाया जाता है ओके और अगर स्क्रीनिंग में कोई इंडिकेशन आ जाए अब ये देखिए स्क्रीनिंग के जो टेस्ट मेमोग्राम है जैसे मेमोग्राम इज अ टेस्ट सिंपल टेस्ट है नॉन इन्वेसिव है जी जो कि इंडिकेट करेगा जी इसके बाद अगर उसमें आगे
टेस्ट में कोई ऐसी चीज नजर आती है कि जिसकी वजह से आपके मालिज या डॉक्टर एडवाइस करते हैं फर्दर टेस्ट उसको कंफर्म करने के लिए, तो कंफर्मेटरी टेस्ट फिर और होते हैं जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। और कैंसर में गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बायोप्सी होता है। बायोप्सी होता है, कहीं डॉक्टर चाहे तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं जी, अल्ट्रासाउंड में भी आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, लेकिन बायोप्सी के अलावा 100% कोई टेस्ट नहीं बता सकता कि आया कैंसर है या नहीं है। नहीं है। और डॉक्टर साहब, जब हम रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं तो कौन से लोग होते हैं, कौन सी खवातीन हैं हु आर मोर टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर? वैसे तो मैंने ये सुना है एंड स्टडीज हैव आल्सो शोन कि देयर इज नथिंग इन पर्टिकुलर जिसको कि आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि जी ये है तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि स्टडीज ये भी शो करती हैं, पहले तो ये कहा जाता था कि जिन फैमिलीज में जेनेटिकली कैंसर चल रहा है उधर चांसेस हैं, लेकिन फिर ऐसा भी देखा गया है कि जिन फैमिलीज में कभी ब्रेस्ट कैंसर का नामो निशान ही नहीं था वहां भी खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो प्रॉब्ली देयर इज जीन म्यूटेशन ऑल्सो। जी बिल्कुल, ये एक मिथ है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तभी ब्रेस्ट कैंसर जी होगा। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर का टोटल जो है उसका सिर्फ 10% जो केसेस हैं वो फैमिली हिस्ट्री के से रिलेटेड होते हैं। अच्छा। बाकी 90% कैंसर जो है उसमें आइदर देयर इज नो रिस्क फैक्टर और कोई ऐसे आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं मिलती आपको या हिस्ट्री नहीं मिलती। राइट। तो हम देखते हैं जैसे कहते हैं जी स्मोकिंग, ओबेसिटी, फिर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जी आपका जेनेटिक मेकअप भी मैटर करता है और लैक ऑफ एक्सरसाइज और आपका जो लाइफस्टाइल है इफ दैट इज सेडेंटरी और आप ज्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे हैं, आपने वेट गेन किया हुआ स्पेशली आफ्टर मेनोपॉज। जी, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। जी जी। तो नॉन मॉडिफाइबल में तो जैसे हमने बात की कि खवातीन में ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर जी, एज है, जैसे एज बढ़ेगी आपका चांस बढ़ता है एंड स्पेशली इट्स एट इट्स पीक बिटवीन 50 एंड 70। ओके। उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जाता है जी। फिर जेनेटिक फैक्टर्स जैसे आपने कहा फैमिली हिस्ट्री अगर है तो उसमें चांसेस ज्यादा है, इसलिए अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हम बल्कि अर्ली एज पे एडवाइस करते हैं कि आप अपना चेकअप करवाइए। राइट। उसके अलावा अर्ली मेनार्की अगर पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हुए हैं जी जी तो उसमें चांसेस ज्यादा हैं, या लेट मेनोपॉज। राइट। वजह उसकी यह है कि ज्यादा लाइफ टाइम आप जो हैं यू आर एक्सपोज टू एस्ट्रोजन, उसके इफेक्ट्स में की वजह से कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। राइट। तो वो एक डॉक्टर साहब, वो जो दो आपकी जेनेटिक फैक्टर्स जो टेस्ट करते हैं BRCA1 और BRCA2 वो भी देखा गया है कि कुछ लोगों में वो नेगेटिव होते हैं, उसके बावजूद कैंसर हो सकता है। जैसा मैंने अर्ज किया कि सिर्फ 10% जो है वो जीन्स और जीन म्यूटेशन और फैमिली हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी उनमें हो सकता है, और उसके बावजूद कई लोगों में होते हुए कैंसर नहीं होता। कैंसर नहीं होता। नाज़रीन, इसके साथ मैं अपना फर्स्ट सेगमेंट रैप अप करूंगी, लेकिन फर्स्ट सेगमेंट रैप अप करने से पहले दिस इज माय रिक्वेस्ट टू माय व्यूअर्स कि आप में से कोई भी हु इज कैंसर सर्वाइवर, ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, और वो बात करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बयान करना चाहते हैं कि हाउ दे फेस्ड दिस फियर ऑफ कैंसर और कैसे उन्होंने इसको सर्वाइव किया, इस डिप्रेशन को कैसे सर्वाइव किया, प्लीज हमसे राबता करें, हमसे बात करें। अगर हमारे शो पे आप आना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम, आप कॉल करना चाहते हैं आप कॉल करें, जिस तरीके से भी आप, क्योंकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका दिया हुआ इनपुट बहुत से लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। बहुत से लोग इस डिप्रेशन में होंगे कि दे आर डायग्नोस्ड विद कैंसर एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, सो आप एक समझें कि आप ये खिदमत खल्क ही करेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस आके लोगों से बयान करें, उन्हें बताएं कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आप उठ सकते हैं, आप इस बीमारी से निकल सकते हैं। नाज़रीन, विद दिस आई एम गोइंग टू रैप अप माय फर्स्ट सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट में आके हम लोग बात करेंगे इसकी कुछ मिथ्स के बारे में, सम साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, और मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगी मेरी दो बहुत ही अजीज फ्रेंड्स हु आर वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर्स in UK and in Pakistan and who are the survivors of breast cancer, unhone kaise isko face kiya, kaise unhone isko combat kiya, and mashallah they are living a full healthy happy life. With this I'm taking a short break, see you after the break. जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं डेविड हेमोफार्म।
Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। अब हासिल करें रियल स्टेट प्री कंस्ट्रक्शन की एक्सक्लूसिव डील्स अर्बन रियल्टी पॉइंट ब्रोकरेज के साथ, जैसे एम सिटी कॉन्डोज डाउनटाउन मिसिसागा का लाइफस्टाइल एंड ट्रांजिट सिटी कॉन्डोज एट डाउनटाउन वॉन, जहां से है टीटीसी सबवे की डायरेक्ट एक्सेस, डिटैच्ड होम और फ्री होल्ड टाउन हाउसेस की एक्सक्लूसिव डील्स और रीसेल्स के लिए अभी कॉल करें मोस्ट ऑनेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड रियल्टर्स अरसलान बे एट 416-779-6047 और इशरत लाइक एट 416-707-1864. If you are looking for a reliable, professional and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance and travel insurance. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as Ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. क्या जमाना आ गया है? ना मोहब्बत रही, ना चीजों में लज़्ज़त। हाँ बाबूजी, सब कुछ बदल गया। दुरुस्त। बस ये नहीं बदला कि एक रस बचपन में छीन छीन कर खाता था, माशाल्लाह वही खुदी वही लज़्ज़त। बरखुरदार लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क, शुरू से अब तक एक सी लज़्ज़त। केसीबी केक रस्क। जिंदगी के मुश्किल लम्हों में आपको चाहिए एक कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, जैसे सैयद एम रजा, पर्सनल इंजरी एंड लिटिगेशन लॉयर फ्रॉम सैयद लॉ। कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट की सूरत में साउथ एशियन कम्युनिटी की रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, यानी आपकी अपनी जुबान में। सालहा साल से कम्युनिटी की खिदमत में पेश पेश सैयद एम रजा, पर्सनल इंजरी एंड लिटिगेशन लॉयर फ्रॉम सैयद लॉ। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 416-937-5046। रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। सो कॉल नाउ एट 416-508-3989। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा। इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर ड्रीम्स। The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
वेलकम बैक व्यूअर्स टू माय सेकंड सेगमेंट. नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे थे. नाज़रीन, प्लीज़ अगेन आई वुड से टू यू कि इंसान के अंदर हिम्मत हो, करेज हो अपनी फियर्स को फेस करने के लिए, तो बहुत सी बड़ी बीमारियाँ भी जो है वो आपसे दूर हो जाती हैं. इस प्रोग्राम का मकसद आपको डराना नहीं है, दिल बर्दाश्ता नहीं करना है, सिर्फ आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करने की है. ब्रेस्ट कैंसर कैन हैपन टू एनीवन, किसी के साथ भी हो सकता है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है. लेकिन इस नाम से आपने डरना नहीं है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड रखना है, टू बी कॉशियस, टू नो योर सेल्फ, टू नो योर बॉडी. अपने आप को पहचाने, अपने जिस्म को पहचाने. अगर ज़रा सा भी कोई चेंज हो तो आपको फौरन पता चले कि हाँ ये चेंज हो रहा है, इस पर मैंने सोना नहीं है. गॉड फॉरबिड अगर कोई लंप आपको फील हो रहा है या कोई चीज़ फील हो रही है, तो ये नहीं सोचना कि हाँ मैं रात को सोऊंगी, सुबह ये ठीक हुआ होगा. नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. टेक इट अप, उसको आप देखें, अपने डॉक्टर से, अपने मौलवी से जाकर रابطہ कायम करें और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाएं. इस बात के साथ ही मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि इस बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में हमसे कुछ बात करें. एंड ओवर टू यू डॉक्टर साहब. जनाब, बताइए जरा साइंस एंड सिम्टम्स, और या कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनके लिए खवातीन को बहुत कॉशियस रहना चाहिए या बहुत ख्याल करना चाहिए? बिल्कुल, विजिलेंट होना चाहिए. जी, विजिलेंट होना चाहिए. आपने जिस तरह एक तो आप लंप का आपने जिक्र किया कि एक लंप, तो एक ये बड़ी एक मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि सिर्फ लंप की सूरत में ही कैंसर हो सकता है. ओके. लेकिन ऐसा नहीं है, और भी सूरतें हैं जिसमें लंप के नहीं होता लेकिन कैंसर हो सकता है. तो इसलिए वो सारी अलामात का अवेयरनेस होना जरूरी है. तो एक तो लंप, आप ये कह रही हैं डॉक्टर साहब कि हर लंप कैंसर नहीं होता. हर लंप कैंसर नहीं होता, लेकिन हर कैंसर में लंप भी नहीं होता. ओके ओके. नाज़रीन, ये जरा बात नोट करें कि हर लंप कैंसर नहीं होता और हर कैंसर में लंप होना जरूरी नहीं है. जी डॉक्टर साहब. और यहाँ पे ये बात आप ही की बात को मैं लेकर कहूँ कि प्लीज अगर लंप आपको फील होता है तो प्लीज डरे मत जी इस डर से कि कहीं खुदा ना खास्ता कैंसर ना निकला है, क्योंकि कैंसर बार-बार रियल है. कॉमन थिंग्स आर कॉमन जी. मोस्ट चांसेस ज्यादा यही हैं कि नहीं होगा, लेकिन उसको चेक कराना बहरहाल बहुत जरूरी है जी. लंप के अलावा इसमें ब्रेस्ट में और चेंजेस देखी जाती हैं. ब्रेस्ट के स्किन कलर चेंज अगर है ओके, या उसके टेक्सचर में जरा सी डिम्पलिंग आपको लग रही है कि जरा सा ऐसे डेंट सा है, हाँ हाँ, और इसके अलावा निप्पल का कलर चेंज हो रहा है या उसमें थोड़ा सा रैश है या उसमें से डिस्चार्ज है या ब्लीडिंग है, तो उस सूरत में भी चेक कराना बहुत जरूरी है. और यहाँ मैं ये आपको बताऊं कि इस सारी चीजों को, यानी इसको डिटेक्ट करने के लिए एक जो स्क्रीनिंग टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम मेरा ख्याल है इग्नोर कर जाते हैं, वो है सेल्फ एग्जामिनेशन. डॉक्टर साहब, मैं यही आपसे कहने वाली थी कि पहले अपने आप को इंसान पहचाने, अपनी बॉडी को पहचाने, करें. क्योंकि देखिए, आप खुद करेंगी, जो भी खवातीन है वो खुद जब करेंगी अपना ब्रेस्ट एग्जामिन, तो वो उससे फेमिलियर होंगी. और ज्यादा नहीं करो, वंस अ मंथ करना है. राइट. तो उससे ये होता है कि यू आर फेमिलियर विद योर ब्रेस्ट, तो जरा सी भी जो चेंज होगी आप फौरन उसको डिटेक्ट कर लेंगी. बिल्कुल सही. यू बी अवेयर और फौरन आप उसके लिए अर्ली हेल्थ केयर जो है वो सीख करेंगी, और जितनी अर्ली जाहिर है ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी उतना ही वो आपके लिए फायदेमंद है. राइट. दूसरा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आपका हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे करवाएं आप रेगुलरली, वो भी ठीक है. लेकिन सेल्फ जो है, आप देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट के मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो खवातीन खुद डिटेक्ट करके प्रेजेंट करती हैं अपने डॉक्टर. आपने बिल्कुल सही कहा कि वो खुद ही कई दफा, आमतौर पर ये देखा गया है कि इधर देयर टेकिंग ए शावर या समथिंग, exactly. तो वो एक अलार्म फील करती हैं, देन दे कम अप. लेकिन वो भी डॉक्टर साहब, एक ये बात है कि आमतौर पर ये एक लेटर स्टेज हो जाती है डिटेक्शन की. वही बात है कि लंप कई दफा उस साइज में आता है तो पता चलता है कि यार हो गया है. इट कुड हैव बीन, अगर वही हम उसकी स्क्रीनिंग पे चले जाए, अवेयरनेस पहले होती है, तो वो आप उस चीज को वक्त से पहले पकड़ सकते. जी बिल्कुल. वो बल्कि आपकी बात इस बात को रिइंफोर्स करती है कि सेल्फ एग्जामिनेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है जी. क्योंकि डिटेक्ट बहरहाल सेल्फ ही होता है, खुद ही करता है इंसान, क्यों अपने आप से ही शुरू करना है. बिल्कुल. तो अगर वो नॉर्मल जिस वक्त है उस वक्त से अगर सेल्फ एग्जामिनेशन शुरू कर दी जाए जी, तो ये इसको पकड़ना जाहिर है अर्ली स्टेज पे ज्यादा आसान हो जाएगा. राइट. अच्छा, दूसरी आपने एक बात कही कि अगर स्किन के अंदर चेंजेस हो रहे हो, स्किन के कलर में चेंजेस आ रहे हो, या नाज़रीन अगर स्किन की आपकी ड्राइनेस हुई है, डंपलिंग हो रही है स्किन के अंदर, या रेडनेस हो गई है स्किन के अंदर, तो प्लीज डोंट स्लीप ओवर सच थिंग्स. कई दफा ऐसा भी होता है कि
ब्रेस्ट में या उसके साथ एक्सिलरी एरिया में दर्द होती है, पेन होती है और आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये पेन क्यों हो रही है। जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट के अंदर ही लंप आपको फील हो जाए, कई दफा एक्सिला में आपको लंप फील होना शुरू हो जाता है। तो वो भी यही है कि आपने सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो आपको पता चलेगा कि एक्सिला में भी कोई लंप हो सकता है। अगर आपको पेन हो रही है ब्रेस्ट की साइड पे हो रही है, किसी भी जगह पे हो रही है, एक्सिला में हो रही है, तो प्लीज याद रखें कि ये स्लीप ओवर करने वाली चीज नहीं है, इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सो डॉक्टर साहब, हम जैसे बात कर रहे थे कि जनाब चले लंप तो डिटेक्ट हो गया, अब क्या करना चाहिए खातून को? जी बिल्कुल, ये आगे किस तरह करना है इसकी अवेयरनेस भी जरूरी है, चाहे स्क्रीनिंग के थ्रू, मैमोग्राम के थ्रू पता चला है जी, चाहे सेल्फ एग्जामिनेशन के थ्रू पता चला है या क्लिनिकल एग्जामिनेशन के राइट थ्रू, आपने अब फर्दर टेस्ट करवाने हैं। यानी ये फिर एक कंपल्सरी चीज हो गई है कि आप इस पे सो नहीं सकते। नहीं बिल्कुल, इसको चेक कराना बहुत जरूरी है कि हमें ये चेक करना है कि आया ये कैंसर है या नहीं है। राइट, उसके लिए अल्ट्रासाउंड अवेलेबल है, MRI अवेलेबल है, और फिर फाइनल जैसे मैंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी, right. तो वो आपके डॉक्टर पर है वो किस तरह आपको लेके चलेंगे, लेकिन फाइनल बायोप्सी ही पे पता चलेगा कि क्या। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ बायोप्सी का जिक्र किया तो मुझे ऐसी एक बात याद आती है कि कई लोगों में ये होता है जी हमने बायोप्सी नहीं करवानी क्योंकि बायोप्सी करवाई तो जी कैंसर फैल जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक बहुत ये भी मिथ है और बल्कि डॉक्टर साहब मैमोग्राम के बारे में भी लोगों का ये ख्याल है कि जी उससे भी फैल जाएगा, रेडिएशन है तो उससे कैंसर हो जाता है। अच्छा, ये दोनों जो है ये सही नहीं है। सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अब ये थोड़ा सा हमने ये भी देख लिया कि जी खुदा ना खासा जैसे लंप है और पता चल रहा है, अब आप अगर थोड़ा सा मेरे नाजरीन को कुछ स्टेजिंग के बारे में भी बताएं कि हम इनकी स्टेजिंग क्या करते हैं और कैंसर की कितनी इकसाम होती हैं। कई दफा तो कहते हैं कि जी कैंसर जो है वो इनसिटू है, तो वो इनसिटू क्या है, ये प्लीज आप बताइएगा। ये डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, तो मतलब आई वांट माय नाजरीन के जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसके अलावा वो एक सीधे साधे अल्फाज में वो समझ सकें कि ये है क्या। बिल्कुल, हम जब बात करते हैं कि जी अर्ली डिटेक्शन हमें करनी है, जब अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा तो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव होगी जी, जी डिजीज फ्री भी हो सकता है जी, जी, लेकिन जितनी लेट होगी उतना मसला होगा। उसका टाइप सी से ताल्लुक है, स्टेजेस से ताल्लुक है, जिसको हम स्टेजिंग कहते हैं कैंसर की। तो बेसिकली डक्ट्स और लॉबीज जिस तरह आपने जिक्र किया कि ब्रेस्ट में होती है, मेन कैंसर जो होते हैं ज्यादातर कैंसर डक्ट्स के होते हैं, ऑलमोस्ट 80%। अच्छा। उसके अलावा 10% लॉब्यूल से होते हैं और बाकी 10% बाकी जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है उसमें से अराइज होते हैं। तो इन साइटु की जैसे आपने बात की कि जिसको हम कहते हैं अगर डक्ट का है तो हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन साइटु, अगर लोब्स का है तो कहते हैं लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटु। उसका मतलब यह है कि वो सिर्फ उधर ही वहीं पे कंटेन्ड है, अभी बिल्कुल फर्स्ट लेयर में है और वो बाकी के ब्रेस्ट के भी टिश्यू में अभी वो नहीं गया। राइट, तो इसीलिए हम स्क्रीनिंग की जब बात करते हैं तो अगर उस स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए, और कई दफा उस स्टेज पे डिटेक्ट जब होता है उस वक्त अलामत नहीं होती अमूमन, तो उस स्टेज पे जब हम डिटेक्ट करते हैं उसका मकसद हमारा यह है कि अगर उसको रिमूव कर दिया जाए तो खातून जो है वो कैंसर फ्री हो जाएंगी। बिल्कुल, और अगर बाकी का जितना भी ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव भी बहुत होगा और बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट की चाहे जरूरत भी ना पड़े, वो तो पर केस टू केस। आपका मकसद ये है कहने का कि ये जितनी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है उतनी इसकी सर्वाइवल रेट वो ज्यादा बेहतर होता है, लाइफ इज बेटर। जी बिल्कुल, एट अ पॉपुलेशन लेवल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम हो जाती है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तो सर्वाइवल रेट की हम बात करते हैं जी, हम सर्वाइवल रेट तो हम 5 ईयर सर्वाइवल रेट की अगर बात करें तो जो कार्सिनोमा इन साइटू है जो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है उसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट है वो 90% है ऑलमोस्ट। ओके, यानी ये मतलब यह है कि अगर वो आज डिटेक्ट हुआ है तो 5 साल के बाद 90% या उससे थोड़ी ज्यादा अलाइव और मे बी डिजीज फ्री। राइट, और ये ओवर द ईयर जब से स्क्रीनिंग स्टार्ट हुई है 1980s में, मिड 80s में स्टार्ट हुई थी, तब से अब तक आप ये मैं आपको बताऊं कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% से बेटर हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ अर्ली डिटेक्शन एंड बेटर ट्रीटमेंट। राइट, डॉक्टर साहब वही है कि जितनी आपको अवेयरनेस हो जाती है, जितने आप इसके बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपनी हेल्थ का ज्यादा ख्याल करना शुरू कर देते हैं, आप जल्दी डिटेक्शन हो जाती है। और कैंसर तो वो एक ऐसा मर्ज है कि कहते हैं कि जितना अर्ली डिटेक्ट हो जाए बिकॉज इट्स कम्प्लीटली साइलेंट किलर, और यूजली ये एक ऐसा चोर है कि जो जिस्म के अंदर ही रहता है फिर ये फैलना शुरू कर जी है। जब ये नेक्स्ट स्टेज आएगी वो ये आएगी कि ब्रेस्ट ही के टिश्यूज में वो फिर इन्वेसिव हो जाएगा। राइट, बाकी
ब्रेस्ट के टिश्यू को इन्वेस करेगा, या फिर लोकल जिस तरह आपने भी बात की कि एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स हैं वहां चला जाएगा, राइट, उनको इन्वेट करेगा, या फिर दूसरे ऑर्गन्स में जाना शुरू हो जाएगा जैसे लंग्स हैं, बोन्स में चला जाता है, ब्रेन में सेकेंडरीज हो सकती हैं, तो वो फिर जाहिर है लेटर स्टेज, और जितनी वो लेट स्टेज होगी उतना इलाज जो है वो फिर मुमकिन नहीं होगा, सर्वाइवल भी कम हो जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर की तो इतनी ज्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स चलती हैं, स्पेशली जैसे हमारा ये पिंक रिबन फंड रेजिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक दिस इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन द लाइफ ऑफ पीपल, उनको अवेयर करने के लिए कैंपेन्स लोग चलाते हैं, बताते हैं कि जी किस तरीके से आपने इसको बी अवेयर अबाउट इट, इसकी डिटेक्शन के बारे में, क्योंकि आप जितना अवेयर होंगे उतनी जल्दी आपकी बीमारी पकड़ी जाएगी। ऐसे जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप शुरू में पकड़ लेते हैं तो उसका फिर सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि जरूरी नहीं है कि आपके लंप का साइज बहुत बड़ा हो तो कैंसर ज्यादा होता है। कई दफा ये भी देखा गया है कि लंप कैन ओनली बी अ पी साइज, जी बिल्कुल, बट हाईली इनवेसिव, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर में वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, जी, यानी साइज से उसका ताल्लुक नहीं है, एग्रेशन उसकी इज नथिंग टू डू विद साइज, जैसे आपने कहा एग्रेसिव फिर भी हो सकता है, इसीलिए केस टू केस अगर आप इंडिविजुअली देखें तो प्रोग्नोसिस में फर्क है, राइट, लेकिन स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं, प्रिवेंशन की जब बात करते हैं, तो फिर पॉपुलेशन लेवल पे जब आप वाइडली उसको अप्लाई करते हैं तो मोर्टेलिटी रेट को हम बहुत कम कर सकते हैं। सो डॉक्टर साहब अब हम थोड़ा सा इसको सेगमेंट को जरा रैप अप करना चाहेंगे कि लेडीज हु आर गोइंग टुवर्ड्स देयर मेनोपॉज, क्योंकि ये आमतौर पर यही कहा जाता है कि व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर मेनोपॉज आपके ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल के जो हार्मोन्स हैं उनके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क आता जाता है, और जितनी आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा होगी उतने चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो इन चीजों को हमें एजिंग के साथ कैसे ख्याल करना है। एक तो ये है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो कोशिश करें कि आप अपने आप को वेट को कम करें, आपका जितना वेट कम होगा उतने चांसेस ऑफ कैंसर ब्रेस्ट कैंसर कम होंगे। आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जरूर लगाइए, क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि लाइफस्टाइल से फर्क पड़ता है, और रिसर्च जो है अभी हो रही है एंड होपफुली there will be a stage जहाँ हम actually breast cancer को सिरे से prevent कर सकेंगे, जिसे हम primary prevention कहते हैं। Oh, that will be, I think, dream come true. We have some promising results. कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि obesity, क्योंकि fat अगर ज्यादा होगी तो वो fat cells जो हैं वो estrogen produce करना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल। Which is dangerous, especially after menopause. Right. Activity जरूर रखिए, healthy diet, क्योंकि उसमें antioxidants हैं जिस diet में वो आप लें। जी। That is very good cancer. सेल्स को वो ग्रो नहीं करने देते, right. इसी तरह से अल्कोहल इंटेक अगर ज्यादा हो तो वो भी कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है। अल्कोहल के बारे में और स्मोकिंग के बारे में तो नॉट वेरी, यू नो, स्मोकिंग डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड नहीं है, बट अगेन स्मोकिंग बहुत स्मोकिंग कैंसर से रिलेटेड है, इंजूरियस इटसेल्फ। तो हेल्दी लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, क्योंकि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सिर्फ 10% ऑफ द कैंसर अकाउंट्स फॉर फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक म्यूटेशन, बाकी सारा एनवायरनमेंटल फैक्टर्स से रिलेटेड है, व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रखा जाए, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि कीमोटॉक्सिक हो सकते हैं, जिनके बारे में रिसर्च थोड़ा बता रही है लेकिन आगे जाके शायद ज्यादा पता चले, लेकिन अगर अवॉइड किए जाएं तो आई एम श्योर के इससे बिल्कुल बचा जा सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग तो देखिए ना, हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कर रहे हैं ना, कि हम उसको डिटेक्ट जल्दी करने की कोशिश करेंगे, वो लेकिन हम उसके कॉज को तो पहले रोकें। जी बिल्कुल, एक हम ये चाह रहे हैं, ज़रा आइडिया तो यही होगा कि सिरे से हो ही ना, सही। तो बिल्कुल अपने आप से शुरू करें, हेल्दी लाइफस्टाइल ले रखें, और मेरा हाल पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। नाज़रीन इस सेगमेंट को यहीं रैप कर रही हूं, जो मेरा लास्ट सेगमेंट होगा उसके अंदर जब मैं अभी आऊंगी तो मैं आपको कुछ एक्सपीरियंसेस आपसे, जैसे मैंने पहले बताया था, अपनी दो बहुत प्यारी दोस्तों के एक्सपीरियंसेस आपसे बयान करूंगी, हु आर फिजिशियंस, दे आर वेल रिनाउंड डॉक्टर्स इन देयर फील्ड्स यूके में और पाकिस्तान में, बट दे हैव फॉट दिस डिजीज, लेकिन वो किस किस स्टेप से गुजरी हैं और किस कैसे उन्होंने इस चीज़ को फेस किया है, थोड़ा सा मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगी। इसके साथ मैं उन लोगों को इनवाइट करती हूँ जो कि
ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो आना चाहती हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं, बिकॉज मैं अपना ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में भी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर बात करना चाहूंगी, बिकॉज देर इज अ लॉट टू से, देर इज अ लॉट टू लर्न, देर इज अ लॉट मोर अवेयरनेस टू बी डन अबाउट दिस. सो विद दिस आई एम रैपिंग अप दिस सेगमेंट. सी यू आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू. Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Syed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit arougefinancial.com. इमिग्रेशन के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं. बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424. इट्स 905-461-2424. More shopping? Yes. On my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Pan Am Blinds, in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades. So, or a Shangri-La shade. So, it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it is it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out. And people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. When you or your loved one is injured in a car or slip and fall accident, one of the most important decisions you're going to make is the lawyer that you hire. At Alam Law, we take pride in the fact that every person who calls for a free consultation speaks to one of our personal lawyers, not just a legal assistant or agent. Call Alam Law at 416-625-2636 for a free consultation. And remember, you do not pay anything unless I win your case. वेलकम बैक व्यूअर्स. मैंने जैसे आपसे कहा था, वादा किया था कि मैं आपको कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपने फ्रेंड्स के बारे में बताऊंगी जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को फेस किया और काफ़ी दे
एक अजीब इत्तफाक की बात ही समझ लें कि बोथ ऑफ देम वर डायग्नोस्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एट वेरी अर्ली एज, दे वर इन देयर अर्ली 40s जब ये ब्रेस्ट कैंसर जो उनको डायग्नोज हुआ. जो मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है, शी इज़ इन पाकिस्तान और वो शी इज़ अ सर्वाइवर, शी इज़ एट अ वेरी हाई रैंक, अ वेरी वेल रिनाउंड डॉक्टर एट द मोमेंट. जब उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो जैसे इंसान पहले थोड़ा सा डिनाइल में होता है कि ये कैसे हो गया, बट बींग अ डॉक्टर, बींग अवेयर ऑफ द होल फैक्टर, क्योंकि उनकी एक फैमिली हिस्ट्री में भी हल्का सा था. लेकिन मजे की बात ये थी कि उन्होंने जब अपने जेनेटिक एग्जामिनेशन करवाए, ब्राका वन और ब्राका टू, दे वर नेगेटिव, दे डिड नॉट शो एनी जेनेटिक इनबिल्ट, लेकिन शी वॉज हैविंग कैंसर. बींग अ मदर एंड बींग अ डॉक्टर, अब उनके लिए दो चीज़ें थी, ये वो जानती थी कि अगर कैंसर है और इसने कैसे फैलना है तो वट इज़ द बेस्ट थिंग दैट शुड बी डन. She went into a very drastic step and that was mastectomy. उन्होंने अपनी bilateral mastectomies करवाई, बहुत depression से गुजरी, बेतहाशा तकलीफ से गुजरी, क्योंकि this is something जो कि एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा एक धचका होता है कि उसकी femininity जो है वो खुद ही she feels under a lot of depression कि वो ख़राब हो गई है. But again I would say hats off to her that she did fight this. उन्होंने मुझे एक बात बहुत अच्छी तरीके से कही, उन्होंने कहा देखें सबसे बड़ी चीज होती है फियर, और फियर होता है इस चीज का व्हाट इफ. अगर आप इस चीज को फेस कर लें और आप ये कहें कि व्हाट इफ नहीं, मैंने अपने आप को इस बीमारी में पैरालाइज नहीं करना, मैंने आगे चलना है, मैंने अपने आप को ठीक करना है, आई हैव टू फाइट दिस, सो यू कैन डू इट. शी फॉट इट एंड माशाल्लाह माशाल्लाह शी इज डूइंग सो वेल. इसी तरह जो मेरी दोस्त यूके में है, उन्होंने भी इस डिजीज को फाइट किया. उनके साथ तो ये भी था कि इट वॉज अ मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, शी इज फाइटिंग, शी इज एंजॉयिंग द लाइफ. वो कहती हैं कि जिंदगी में तकलीफ तो आती है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों दोस्तों ने मुझे एक पैगाम दिया जो मैं आप तक ये जरूर पहुंचाना चाहूंगी, कि पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच आपकी जो होती है वो आपकी हर बीमारी को फाइट करने में बहुत अहम किरदार इस्तेमाल करती है. जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, जब हम एक चीज़ के डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो नाज़रीन याद रखें कि ये जो नेगेटिव मार्कर्स हैं ये आपकी बॉडी के सेल्स को और ज़्यादा एक्टिवेट करके आपकी बीमारी को, आपकी तकलीफ को और ज़्यादा बढ़ाते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मेरा आपको बताना कहना बहुत आसान है, लेकिन इस बीमारी से निकलना, इस डिप्रेशन से फाइट करना बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. मैं इसीलिए दावा देना चाहती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस डिजीज से फाइट किया, जिन्होंने आज अपनी एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, टू प्लीज कम ओवर माय प्रोग्राम टू शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय ऑडियंस, ताकि मेरे ऑडियंस ये देख सके कि एक पॉजिटिव सोच, डिप्रेशन से निकलना, अपनी जिंदगी को फिर से स्टार्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, और आप बड़ी से बड़ी बीमारी को डिफीट कर सकते हैं. नाज़रीन, विद दिस आई रैप अप माय प्रोग्राम. सी यू नेक्स्ट वीक. And hopefully, I'm going to get a very positive result for my audience. And I'm looking forward for a good response. कि मुझे आपकी तरफ से response मिले, आप मुझे बताएं, आप अगर मेरे program में आना चाहते हैं, you're more than welcome. मुझे contact करना चाहते हैं, मुझे आप contact कर सकते हैं, ताकि मैं आपके experiences से दूसरों को भी फायदा पहुंचा सकूं. खुदा हाफिज, take care of yourself. जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को, और हमारे पास मौजूद हैं डेविड हेमोफार. Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157. Dixie Electronics and Appliances is your number one destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family.
to home comfort essentials for your living space and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. क्या जमाना आ गया है, ना मोहब्बत रही, ना चीजों में लज़्ज़त। हाँ बाबूजी, सब कुछ बदल गया। दुरुस्त। बस ये नहीं बदला, केक रस्क बचपन में छीन छीन कर खाता था। माशाल्लाह, वही खूबी, वही लज़्ज़त। बरखुर्दा। लीजिए, हाजिर है केसीबी केक रस्क। शुरू से अब तक एक सी लज़्ज़त। केसीबी केक रस्क। The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Are you confused about the new mortgage rules that you may or may not qualify for your mortgage or for your next investment property? Do you need expert mortgage advice? Call Team Salman today to get the right advice and find out how you can qualify for the mortgage you deserve. Call today or visit us at www.teamsalman.com. We deliver mortgage. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as Ziyarat to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you.